दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे और एक प्रीमियम हाउस डिज़ाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइज़ है 30x36 और इसमें आपको बेहतरीन सा डिज़ाइन मिलता है, कार पार्किंग भी मिलती है, फ्रंट एलिवेशन भी मिलता है और साथ साथ यहाँ पर आपको जो अगर हम बात करें बालकनी की, वो भी एक बेहतरीन सी देखने को मिलती है। तो 30x36 फट में ओवरऑल मकान मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ ऑलरेडी। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूँ झाकल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों सबसे पहले आपको स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार अपडेटेड और नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, नए नए मॉडल्स लाता रहता हूँ, जो आप घर जब भी बनवाएं तो एक बार यहाँ विजिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नया लुक मिलेगा, नया नया घर का डिज़ाइन मिलेगा, जो आप देख के कंसीडर कर सकते हैं, उसे बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है 30x36, चलो मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आपको उसकी जो भी इसका डिज़ाइन है उसका बेहतरीन से सारी चीज़ें पता चल सकें, फ्रंट एलिवेशन पता चल सके और इसको आप बाहर से देख सकते हैं। ये इसका मेन डोर है, यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से ये चीज़ें क्रिएट की है और ये पूरा मॉडल क्रिएट होकर आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये चीज़ें फर्स्ट फ्लोर के लिए हैं, तो आप इसको मैंने एक साथ ही बना दिया है, तो आप इसे एक साथ कंसीडर कर लें। एक बड़ा सा विंडो है, ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको ये स्पेस मिल जाता है पार्किंग के लिए, साइड में भी पार्किंग के लिए स्पेस। फ्रंट में एक आपका ये बेडरूम था, बेडरूम है, इसमें आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं और अंदर से भी मैं एंट्री पॉइंट दिया है। ये एक विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। मेन डोर ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करेंगे तो एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है। हॉल के बाद फिर आपको इधर से एंट्री पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा किचन मैंने फ्रंट में दिया है और गेस्ट रूम के लिए जो बाहर से मैंने डोर दिया था, अंदर से भी डोर दिया, यहाँ से भी एंट्री कर पाते हैं। ये दो लेटेंट बाथ क्रिएट कर दिए हैं मैंने, ये एक और बेडरूम क्रिएट कर दिया है। आप यहाँ पर भी एक बेडरूम बना सकते हैं बड़ा सा, लेकिन मैंने क्रिएट नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट ही होती है कि हॉल होने चाहिए, तो हॉल मैंने क्रिएट कर रखा। अगर आप रूम की रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ पर रूम एक और बना सकते हैं आसानी से। तो ये ग्राउंड फ्लोर का ये देखिएगा बेहतरीन सा मॉडल, जिसमें आपको अभी फिलहाल दो बेडरूम, बड़ा सा किचन, दो लेटर बाथ, हॉल और ये आपकी स्टेयर्स हैं जहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये पूरा फ्रंट एलिवेशन है जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, डोर वगैरह मैंने जो क्रिएट किए हैं आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर ये देखिए वही सेम डिज़ाइन है जो नीचे डिज़ाइन था, सिमिलर टू सिमिलर वही मैंने क्रिएट कर रखा है। और आगे का जो पार्किंग वाला एरिया था वो यहाँ पर बालकनी बन गया है और बेहतरीन से यहाँ पर ग्रिल जो रेलिंग है वो मैंने बना रखी बेहतरीन से। ये देखिए आप देख रहे होंगे दोनों तरफ, और ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से दोस्तों चीज़ क्रिएट की है मैंने, ये आप जो देख रहे होंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन और कलर कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर बेहतरीन से मिलता है इस पूरे घर के डिज़ाइन में। वहीं लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ से 3 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिएगा ब्लैक वाइट और इसका कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर दिया है। तो ये ओवरऑल 30x36 का डिज़ाइन था जो आपने देखा यहाँ पर, कि 3 साइड क्लोज्ड है, फ्रंट से ही ओपन है। आप देखते होंगे फ्रंट से ओपन है, ये आपका रेलिंग जिसे बोलते हैं, तो ये पूरा आपका रेलिंग यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, ये मेन डोर था। तो ये मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।